सीतापुर जिले के मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विद्युत आपूर्ति को लेकर मची हाय तौबा के बीच मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता लखनऊ क्षेत्र अजय कुमार सिंह बुधवार को अचानक सीतापुर पहुंचे। यहां विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान वे किसी शिक्षक की तरह मात हतों को विद्युत आपूर्ति में सुधार कैसे लाया जाए इसका मंत्र देते नजर आए। उन्होंने कहा कि फॉल्ट कम से कम समय में सही की जाए और अनावश्यक शटडाउन न दिए जाए ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति प्राप्त हो सके। मुख्य अभियंता ने इसके बाद बिलिंग पर फोकस करते हुए कहा कि सभी उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति के साथ समय से और सही बिल मिले इसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी है और यह दोनों चीजें शासन की प्राथमिकता में है। इसलिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के सापेक्ष बिल दिए जाएं और कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे जल्द सही किया जाए ताकि उपभोक्ता भी बिल जमा करने के लिए प्रेरित हो सके। इसके अलावा मुख्य अभियंता ने लंबी अवधि के मरम्मत कार्य की सूचना क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समय से सोशल मीडिया के जरिए दिए जाने पर भी जोर दिया जिससे उपभोक्ता पूर्व तैयारी से रहें और उन्हें अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। समीक्षा बैठक के बाद मुख्य अभियंता ने निर्माणाधीन कसरैला पावर हाउस का और अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता नंदलाल, अधिशाषी अभियंता खंड प्रथम ए के श्रीवास्तव, अधिशाषी अभियंता खंड द्वितीय सुधीर भारती, अधिशाषी अभियंता मुख्यालय पी के सिंह, अधिशाषी अभियंता टेस्ट राधे श्याम AE IT मानवेंद्र सिंह तथा AE मीटर अंकिता रत्ना सहित वितरण खंड द्वितीय की सभी उपखंड अधिकारी अवर अभियंता और रमेश सिंह, सुनील पाल, मोहित यादव आदि अवर अभियंता तथा फ्लिंट ग्रिंट कंपनी से प्रभारी अंकुर वर्मा आदि मौजूद रहे। अपने सीतापुर दौरे के बारे में मुख्य अभियंता अजय कुमार सिंह ने आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुनिए। सीतापुर में आज मैंने यहाँ समीक्षा बैठक रखी हुई है। सीतापुर के खंड दो जिनकी थोड़ा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, जो उत्तर प्रदेश पाकाली और मध्यांचल के अपेक्षाएं हैं रेवेन्यू से संबंधित, उपभोक्ता सेवा से संबंधित, उनमें कुछ लक्ष्य के अनुरूप परफॉर्मेंस न होने के कारण मैं यहाँ समीक्षा बैठक कर रहा हूँ। इसमें मुख्यतः समीक्षा बैठक हमारी है कि उपभोक्ता को सही बिल दिया जाए जिससे उपभोक्ता भुगतान को प्रेरित हो। उपभोक्ता भुगतान करेगा तो हमारे परफॉर्मेंस सुधरेगी, हमारे पास धन आएगा तो हम उस धन से उपभोक्ता को हम गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं भी दे सकते हैं। दूसरी चीज थी कि यहाँ के ब्रेकडाउन के ऊपर था, तो बरसात के मौसम में थोड़ा हमारे अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन होते हैं और हम योजना बना रहे हैं कि कैसे इन ब्रेकडाउन को खत्म करके हम उपभोक्ता को अनवरत और बढ़िया बिजली दे सके। एक बिजली घर भी हमारा बन रहा है जिसके आज कल में चालू हो जाने की स्थिति है, उसके चलते क्या नाम है कसरैला विद्युत घर अगर हमारा उद्घित हो जाएगा उसके बाद कुछ फीडर के लोड हम उस पर ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि फीडर भी अंडर लोड हो जाएंगे और अच्छी बिजली मिलेगी, कटौती भी नहीं करनी पड़ेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।